स्टॉक मार्केट, कमोडिटी या क्रिप्टो करेंसी में जब भी आप काम करने जाएंगे, आपका सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि हम डे टू डे ट्रेड करते रहें, रोज रोज ट्रेड करें, या फिर हमको स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जब आप तीन रास्तों में से कोई एक रास्ता चुनना चाहते हैं, कभी कभी इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप किसी भी रास्ते पे नहीं चलते। जब भी आप ये चुनाव करें ना, तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। शुरू में आप क्वालिटी ऑफ लाइफ अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे हम शुरू में आए थे मार्केट में, तो हमारे पास जरा सी कैपिटल थी, मार्केट से फेमिलियर नहीं थे, हमको ट्रेडिंग ही करनी थी। और शुरू में ट्रेडिंग ही समझ में आती है, एक एज ऐसी होती है जब आपको एक्शन समझ में आता है। बार बार खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, कहीं आपको 500 रुपीस प्लस हो रहे हैं तो आप बड़े खुश हो रहे हैं, फिर 500 700 माइनस हो रहे हैं, आपने कहा चलो ठीक है। फिर आप उस स्ट्रगल से निकल रहे हो कि कैसे लॉस कवर करूं। धीरे 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 आपको चीजें पता चल रही है। उस वक्त कई बार ऐसे लोग होते हैं कि स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट में आए और पहले तीन महीने के अंदर ही उन्होंने एक बार अपनी कैपिटल खत्म की, फिर अगले तीन महीने में फिर से अपनी कैपिटल खत्म की, और उसमें से आधे से ज्यादा लोग तो चले गए हाथ जोड़ के, भाई हमारे बस का नहीं है। लेकिन यहां पे मैं बात कर रहा हूं इतने सालों बाद, 20 सालों के तजुर्बे के बाद। पहले तो मैंने बराबर ट्रेडिंग ही ट्रेडिंग की। आप मतलब ये समझ लो कि मार्केट जब से खुले और जब तक मार्केट सेशन क्लोज हो, तब तक लगातार ट्रेड करने वाला भी दौर रहा। फिर धीरे धीरे ये लगा कि नहीं, मैं सुबह सुबह एक घंटा और शाम को एक घंटा ट्रेड कर लेता हूं। जो कुछ भी मैं करता गया, अपने चैनल में आपको उस तरह का इवोल्यूशन दिखेगा, है ना, क्योंकि वहां पे मैंने हमेशा अपनी जर्नी शेयर की है। और बात ये नहीं कि मैं क्या कहता हूं ये इम्पोर्टेंट है, बात यह है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, मैं एक आपके लिए एग्जाम्पल हूं, रोल मॉडल हूं कि कैसे कैसे इवॉल्व होता है एक ट्रेडर, कैसे कैसे इवॉल्व होता है एक इन्वेस्टर, और कैसे उसके अंदर समझ बढ़ती जाती है और उसकी मेहनत कम होती है, उसका रिस्क कम होता है, उसका रिवार्ड बढ़ता जाता है, उसका प्रॉफिट बढ़ता जाता है। तो हम हमेशा ही, पहले तो ये रिवाज था कि आपको ब्रोकर कई गुना लिवरेज देता था। हम जाके पूछते थे कि कितनी लिमिट दे रहे हो, 20 गुना लिमिट दोगे, 40 गुना लिमिट दोगे, वो कहेंगे आपको जितनी चाहिए उतनी ले लो। फिर ग्रेट फाइनेंशियल करेक्शन 2007-08-09 का आया, उस वक्त बहुत सारे ब्रोकर को भी बहुत चोट लगी, तो वो भी सुधर गए। और बाद में सेबी के रेगुलेशंस आए, तो फिर ये लिमिट को कहीं कंट्रोल किया गया। अभी आपको क्या लिवरेज मिलता है, 4x का लिवरेज मिलता है। लेकिन मैं तो अब यहां तक बात करता हूं कि लिवरेज की जरूरत ही क्या है। अगर आप 4x 5x के लिवरेज में जा रहे हो, इंट्राडे में काम कर रहे हो, और आप 50,000 के बदले 2,00,000 रुपए का ट्रेड एक बार में कर पा रहे हो, और उसको रोटेट करके वो 2,00,000 आपने खरीद बेच दिया, फिर से 2,00,000 खरीद बेच दिया, फिर 2,00,000 खरीद बेच दिया, तो दिन भर में आप 20,00,000 का ट्रेड कर लो, पॉसिबल है। तो शुरू शुरू में जब आप आएंगे ना, तो आपको टर्नओवर करके बड़ा मजा आएगा कि जैसे बहुत बड़ा कुछ कर लिया हो आप। लेकिन असली मुद्दा क्या है कि कितना रिस्क लेके कितना पैसा कमाया, और साथ में कितनी मजदूरी की, कितना टाइम लगाया आपने यहां पे। क्योंकि जब आप एक तरफ टाइम लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ का टाइम चुरा रहे हैं। क्योंकि यहां पे कोई फुल टाइम ट्रेडर जैसे लोग 2% होंगे इंडिया में। अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनका अपना कोई पैरेलल प्रोफेशन है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सीए हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्मी से लोग हैं जो मेरे साथ सीखने आते हैं, हॉस्पिटलिटी से जो लोग हैं, रेस्टोरेंट वाले वो सीखने आते हैं, डेयरी वाले या वेजिटेबल के बिजनेस वाले लोग जो सुबह काम करते हैं बहुत अर्ली मॉर्निंग, और फिर शाम को उनको काम होता है, दिन में वो फ्री होते हैं, वो भी सीखना चाहते हैं। हाउसवाइफ्स काम करती है, स्टूडेंट्स, हर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स सीखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। क्योंकि एक ऐसी चीज है जो किसी भी चीज के पैरेलल चल सकती है, और इसके रिवार्ड इतने बड़े हैं कि आपको कभी भी नहीं लगेगा कि आपने जो कुछ भी काम किया वो बेकार गए। देखिए, आप आए यहां पे, आपने एक अकाउंट, फ्री डिमेट अकाउंट खुलवा लिया, नीचे लिंक दे रखा है, और आपने वहां पे 2,000 या 5,000 रुपए का अमाउंट डाला और आपने काम शुरू किया। अब जो भी काम आपने शुरू किया, ये बिजनेस यहां शुरू हुआ, और उसके बाद आपने कहा अभी मैं बिजी हो रहा हूं, एग्जाम देना है, मुझे कहीं जाना है, अपने बिजनेस का सीजन आ गया, उसमें एंगेज हो जाऊंगा, या एक होम मेकर कहे कि मेरे पास गेस्ट आ गया, अभी मैं ये सब नहीं कर सकती। तो जब आपने अपनी दुकान का शटर डाला, दुकान बंद, लेकिन आप पीछे नहीं रह जाएंगे, आपको वहां पे लगातार कोई खर्चे नहीं हो रहे हैं, ऐसा कोई नुकसान नहीं हो रहा। अगर आपने आंख मूंद के कोई पोजीशन खड़ी कर दी और छोड़ दी है, तब नुकसान हो सकता है। अदरवाइज अगर आपको टाइम नहीं है, तो जो पोजीशन आपने ओपन की थी वो क्लोज भी कर दी। आप मार्केट में जो भी उतार चढ़ाव हुआ, आपका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन तजुर्बा आपने ले लिया है। एक बिजनेस का तजुर्बा दोस्तों किस बात की खूबसूरती है कि 5,000 रुपीज के छोटे से कैपिटल में भी आप दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हो। उसमें
असल काम शुरू करके उसका तजुर्बा ले सकते हो, उसमें गलती करके गलतियों से सीख सकते हो, ये सबसे बड़ी बात है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करूं मैं तो यहां पे जब स्विंग ट्रेडिंग हमने शुरू की, क्योंकि पहले हमने इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू की, फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन का चस्का लगता है तो उसके अलावा कुछ दिखता नहीं, तो पहले फ्यूचर में काम करते हैं, फ्यूचर में नुकसान होकर कैपिटल आधी रह जाती है तो ऑप्शन आपको नजर आने लगते हैं। पहले आप स्टॉक ऑप्शन भी करते हैं तो आपको बड़े बड़े प्रॉफिट होते हैं, फिर एक आध बार दो तीन महीने के अंदर बाजार जब पलटेगा तो ऑप्शन एक ही बार में आपको इतना बड़ा लॉस दे जाएगा कि जो भी प्रॉफिट आप बना रहे थे, जो भी कहानियां आप सुना रहे थे, उन सबकी धज्जियां उड़ जाएगी। फिर आप जब कैपिटल और सिकुड़ जाएगी तो आप निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन बाइंग में उलझ जाएंगे, और ऑप्शन बाइंग में उलझ के अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे अगर यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो दिखने लगे ऑप्शन राइटिंग करो, 75% टाइम ऑप्शन राइटिंग पैसा देती है, ऑप्शन राइटिंग पैसा देती है, तो लोग ऑप्शन राइटिंग करने लग जाएंगे। उसके लिए ज्यादा कैपिटल चाहिए तो आप कहीं से, हो सकता है किसी से मांग के या लोन लेके कैपिटल उठा के ले आए और काम करने लग जाएंगे। और ऐसा नहीं कि उसमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा, प्रॉफिट मिल रहे हैं, लेकिन आपको देखना यह है कि कितना बड़ा रिस्क लेके कितना प्रॉफिट आप ले रहे हो। और सबसे बड़ा सवाल क्वालिटी ऑफ लाइफ कि कितना टाइम लग रहा है, कितना रिस्क लिया और कितना कमाया। क्योंकि 3 महीने तक भी अगर बाजार रेंज बाउंड है तो ऑप्शन राइटिंग में लगातार आपको पैसा मिलता रहेगा, छोटा छोटा प्रॉफिट बार बार मिलता रहेगा, लेकिन एक बार निफ्टी ने पॉजिटिव या नेगेटिव ब्रेकआउट दिखाया, बैंक निफ्टी ने पॉजिटिव या नेगेटिव ब्रेकआउट दिखाया कि आपने जो कुछ भी कमाया था वो पूरा के पूरा या उससे भी ज्यादा नुकसान हो सकता है, और आपको लगातार सतर्क रहना पड़ता है। इसलिए दोस्तों फाइनली मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात क्यों करता हूं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में लिवरेज नहीं है। आपके पास 20,000 है तो 20,000 के शेयर खरीदो, आपके पास 50,000 है 50,000 के शेयर खरीदो। जैसे आपने सुना, अरे सर क्या बात कर रहे हैं, 20,000 में 20,000 का ही माल मिलेगा, 50,000 में 50,000 का ही माल मिलेगा, मजा नहीं आया। लेकिन आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि जो जरूरत से ज्यादा मजा लेने की बात आप कर रहे हैं उसी में तो जरूरत से ज्यादा सजा मिलने के चांसेस बनते हैं। तो अच्छी बात क्या है, जब आप लेवरेज नहीं लेते हैं, डिलीवरी में शेयर उठा के रखते हैं 20,000 के, 20,000 के, तो आप चेन से अपना काम कर सकते हैं, मार्केट अपना काम कर रहा है। अगर वो 20 से 18 दिखाता है आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, वो 20 से 22 दिखाता है आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे आप अपना काम करते चले जाते हैं क्योंकि आप कंफर्टेबल हैं, और जब आपका दिमाग कंफर्टेबल होता है ना, लाइफ में मजा कब आता है, जब आराम हो, जब आपके दिमाग को आराम हो, आप आराम से अपना काम कर सकते हो, तो उस समय में आपका लर्निंग माइंडसेट बनता है कि चलो आगे और सीखें और जाने, और जान के आपने कुछ अप्लाई किया, इस बार पिछली बार से अच्छा डिसीजन हुआ क्योंकि आपने कुछ और चीजें जान ली। ऐसे करके जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते जाते हैं तो आपको लगता है कि जैसे आप कोई काम ही नहीं कर रहे हो। क्यों लगेगा कि काम कर रहे हो, क्योंकि बाजार गिरा हफ्ते में एक बार, तब आपने शेयर खरीद लिए, पहले से स्टडी करके बैठे थे, आपके पास 10 की लिस्ट थी, उसमें से 3 सबसे अच्छे अलग अलग सेक्टर के शेयर आपने उठा लिए आराम से, और सोचा था एक और गिरावट आएगी तो बाकी पैसा जो बचा है उससे भी उठाऊंगा, लेकिन बाजार तो वहीं से भागा और जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे दुगुना प्रॉफिट आपको 5 दिन बाद दिखने लगा। कभी कभी तो दूसरे ही दिन आपको दिखता है कि स्टॉक बहुत ऊपर खुल गया। जैसे अभी हम बात करें MMTC या GMR इंफ्रा, कल 56-57 रुपीस पे खड़ा था, 65 रुपीस पे चला गया, 10% ऊपर चला गया। हम कितना चाहते हैं, हम 1 वीक का 2% चाहते हैं, यहाँ पे एक दिन में 10% भी मिल जाता है, पर आप उसका उम्मीद मत करो, उसका इंतजार मत करो, उसकी जिद मत करो। आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि मुझे हफ्ते में 2% मिले, मतलब साल का 110% का पॉसिबिलिटी है। गारंटी शब्द हटा देना जिंदगी से। अगर आपको सच में बिजनेस करना है, आपको सच में एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है, कोई भी ऐसा काम करना है जो बड़ा हो, तो ये गारंटी वारंटी शब्द की बजाय आपको क्या देखना है, कितना रिस्क है, कितना रिटर्न है, और इस रिस्क को मैं हैंडल कैसे करूं, मैं किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाऊं, क्या प्लान बनाऊं, कैसे मैं स्टडी करूं कि मेरा रिस्क मिनिमाइज होता जाए और मेरा रिटर्न बढ़ता जाए। तो स्विंग ट्रेडिंग दोस्तों क्वालिटी ऑफ लाइफ से ज्यादा रिलेटेड है, क्योंकि अभी मुझे कोई ट्रेडर मिले, मैं बात कर रहा था अपनी जर्नी में, और किसी ने सुना तो उनको लगा कि उनके प्रोफेशन से रिलेटेड है, फिर वो बताने लगे वो ऑप्शन राइटिंग करते हैं, 10 साल से ऑप्शन राइटिंग कर रहे हैं, और मैं उनको यही बता रहा था कि ठीक है आप सही कर रहे हैं, उनकी एज कोई 32-33 होगी, मैं आपसे उनसे यही कह रहा था कि एक समय के बाद आपको अगला कदम उठाना पड़ता है। तो अगर आप सुपरस्टार इन्वेस्टर्स के इंटरव्यूज जाके देखेंगे, केडिया जी को, रामदेव अग्रवाल साहब को,
झुनझुनवाला साहब को, वॉरेन बफे, जो भी लोग हैं, डॉली खन्ना, पोरिंजू जी, उनकी कहानी पढ़ी है। तो क्या है वो क्या ट्रेड कर रहे थे? फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे थे। तो क्या कर रहे थे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। अब होता यह है कि निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड करते करते आप बाकी बाजार से पूरी तरह पराए कर देते हो उसको, और आप जानते ही नहीं स्टॉक्स के स्टडी के बारे में। तो फिर इन्वेस्टमेंट की ये 500 करोड़, 1000 करोड़ या 1500 करोड़ की पॉसिबिलिटी होगा, ये गारंटी तो मैं दे ही नहीं रहा। मैं आपसे कह रहा हूं वो संभावना आपके जीवन में जिंदा रहे तो बुरा है क्या? तो कभी बहुत बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करेंगे तो जिंदगी में हम आगे जा सकते हैं। आप अपस्टॉक्स का लिंक दे रखा है, उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाकी जो बुक्स का हमारा लिंक दे रखा है, सारी बुक्स वहां पे अवेलेबल है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी और आपकी लाइफ से रिलेटेड भी, वो जरूर देखिएगा। मेरी दोनों अनस्कूलर डॉटर्स की बुक्स भी अवेलेबल है दोस्तों, जो स्कूल कभी नहीं गई और उन्होंने किताब लिखी है 16 और 20 की एज में। वो लिंक चेक कीजिए आप, और आप यकीनन अपने बच्चों को ये एग्जाम्पल देना चाहेंगे, आप वो बुक उनके साथ शेयर करके पढ़ना चाहेंगे। अगर आपको सचमुच कोई सही एग्जाम्पल उनके साथ शेयर करना है तो दोस्तों कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। मैं आगे नई चीज पे बात करूंगा, आगे मैं आपको बताने वाला हूं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के कौन कौन से स्टॉक के कौन कौन से रिजल्ट रहे हैं, और जो स्टॉक हमने फंडामेंटली स्टडी कर रखे हैं, जो आपके लिए भी एक आसान रास्ता हो जाएगा कि हमारी स्टडी की वजह से आपको हमेशा पता रहे कि ये वाला शेयर मजबूत है, इसके बारे में सोचा जा सकता है, ये वाला शेयर उतना मजबूत नहीं है, गड़बड़ है, इसको हटा दो, अवॉइड कर सकते हैं। क्या आप ये जानना चाहते हैं कमेंट में बताइए मुझे, और आप किसी पर्टिकुलर शेयर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो वो सवाल भी कीजिए, और हम बात करते जाएंगे, सीखते जाएंगे कैसे सक्सेसफुल नहीं होते हैं।